हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। लो जी, संडे का दिन है और ठंड का मौसम है भाई। देखो जी मौसम भी, और मैंने सोचा थोड़ी सी वॉक शॉक कर ली जाए भाई, क्योंकि यार घर पे सारा दिन बैठना भी मेरे लिए तो नॉट पॉसिबल। आज इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम डिस्कस करेंगे जी। बहुत सारे लोग हैं जो ब्रैम्पटन में है जी, आज की डेट में मतलब वो रहते ब्रैम्पटन में है उनका काम, या फिर कॉलेज की मैं बात करूँ वो मान लो टोरंटो में है। तो एक बड़ा एक पॉइंट आता है सामने जी कि भाई ठंड के मौसम में स्पेशली ब्रैम्पटन से अगर टोरंटो जाना है, क्या ये पॉसिबल है या फिर ये सही रहेगा कि हाँ जी भाई ब्रैम्पटन छोड़ के हम टोरंटो के आसपास शिफ्ट हो जाएं जी, स्कारबरो में शिफ्ट हो जाएं, पिकरिंग में शिफ्ट हो जाएं, ओशमा में हो जाएं, या फिर ब्रैम्पटन में रह के ही हम वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, आना जाना इजी है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो क्या ये चीज़ है या फिर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी गाइस, स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। काफ़ी सपोर्ट दे रहे हो जी, प्यार दे रहे हो गाइस, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। चलो जी बात स्टार्ट करते हैं भाई ब्रैम्पटन की। देखो जी, ब्रैम्पटन से अगर आपने टोरंटो जाना है, ठीक है, तो पॉसिबल तो है। मैं कहूँगा यार, अगर मैं समर्स की बात करूँ ना भाई, समर्स में तो हमारे पास बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि भाई एक तो ठंड ज़्यादा नहीं है, स्नो वगैरह का चक्कर नहीं है, ठीक है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं ट्रांसपोर्टेशन की। देखो जी, पहली है तो जी गो बस आपको 1-1.5 घंटे में पहुंचा देती है, डिपेंड करता है जी आप कहां से कहां जा रहे हो, बट हाँ 1-1.5 घंटे में आप इजीली टोरंटो पहुंच सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है जी। एट द सेम टाइम अगर मैं हमारी गो स्टेशन की बात करता हूँ, ट्रेन के थ्रू बात करता हूँ, देखो जी ट्रेन के थ्रू भी आप जा सकते हो। अगर मैं ब्रैम्पटन स्टेशन टू स्टेशन बात करता हूँ, यूनियन स्टेशन एंड जो हमारा गो स्टेशन स्टील्स वाला है ब्रैम्पटन का, तो वहाँ पे आपको यार आधे घंटे में 35 मिनट्स में आप आराम से पहुँच जाओगे, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये ऑप्शन होगी जी, आप बाई बस जा सकते हो, गो स्टेशन बाई ट्रेन जा सकते हो, ठीक है जी। तीसरी ऑप्शन आती है भाई, चुपचाप आप राइड कर लो। मान लो आपके ऑफिस में कोई है, मान लो आपको कोई, या फिर आपकी कंपनी कुछ ऐसा प्लान करती है कि हाँ जी भाई आप किसी के साथ जा सकते हो, वो शेयरिंग में राइड कर लो, वो चले जाओ भाई, वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। वो ये होता है कि आपको घर से पिक करेंगे और घर पे ही छोड़ देंगे, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। उसके इसमें क्या है कि भाई स्नो है, कुछ भी है, आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। एंड इसके बाद भाई बात आती है जी एक लोकल, फिर ठीक है, लोकल में भी आपके पास ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे ब्रैम्पटन ट्रांजिट लेके फिर TTC ले लो, टोरंटो ट्रांजिट, यहाँ पे भी आपने जाना है, चुपचाप वहाँ पे चले जाओ, नॉट अ बिग डील, ठीक है जी। तो ये ऑप्शन भाई हमेशा रहती हैं। पांचवी है भाई, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो चुपचाप अपनी गाड़ी ले लो। और जी दूसरी बात गाइस, एक और भी क्वेश्चन बड़े लोगों का आता है कि भाई खर्चा कितना होगा। देखो जी नॉर्मली मुझे लगता है आने जाने का $20 से $25, $25-$30 के आसपास का, ठीक है, डिपेंड करता है आप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है जी। बट हाँ, ज़्यादा खर्चा इतना भी ज़्यादा वो नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो। बीइंग अ स्टूडेंट मुझे लगता है आपको इतनी वरी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यार अराउंड $20 के आसपास आना जाना हो जाना चाहिए आज की डेट। बाकी यार डिपेंड करता है भाई, फेयर चेंज होते रहते हैं, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज इतने में हो जाता है, दैट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। एंड बाकी गाड़ी का मैंने बता दिया भाई, ठीक है, गाड़ी है तो फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, जैसी मर्जी। उसमें यह है कि आप खुद भी लोगों को उठा के, मतलब लोगों को शेयरिंग का एक ऑप्शन दे सकते हो, वहाँ पे अपना जो गैस का खर्चा है वो आप निकाल सकते हो। ये एक ऑप्शन रहती है हमेशा अगर हमारे पास गाड़ी है, राइट। तो ये मैंने बता दिया जी कौन कौन सी ऑप्शन। बाय बस डेफिनेटली आप जा सकते हो जी, गो ट्रेन डेफिनेटली जा सकते हो, बाय बस डेफिनेटली लोकल बस, एंड गो बस डेफिनेटली आप जा सकते हो, शेयरिंग में कर लो, या फिर भाई अगर बहुत ही ऐसी सिचुएशन आ जाएगी आप कुछ नहीं मिल रहा तो कभी कभी उबर या फिर लिफ्ट वगैरह के थ्रू भी आप राइड ले सकते हो, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट हाँ कभी आप फंस गए, आपको लगा यार कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहती है, राइट। बाकी ये चीज़ें हैं जी, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सर्दियों में डेफिनेटली दिक्कत होती है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपके लिए पॉसिबल है तो चुपचाप आप उस लोकेशन पे शिफ्ट हो जाए। बट हाँ, अगर आपका यहाँ पे सब कुछ सेट है, आपको आप किसी के साथ रह रहे हो, तो मुझे लगता है कि कम्यूट करना
इतना भी डिफिकल्ट नहीं है जितना लोग कभी कभी बना देते हैं, ठीक है। तो गाइज ये थी, मैंने सोचा कि चलो यार, क्योंकि मैंने खुद भी गाइज काफी बार कम्यूट किया है, मुझे ज्यादा दिक्कत आई नहीं है, ठीक है। बाकी गाइज विद द पैसेज ऑफ टाइम आप 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, 10 दिन जाओगे, आप थोड़ा यूज टू हो जाओगे, यू विल बी मोर कम्फर्टेबल, राइट। तो ये चीजें तो होती हैं। एंड बाकी गाइज हम अपनी वॉक कंटिन्यू करते हैं, कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी आप पूछ सकते हो जी, एंड हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आप मेहनत करते रहो, टाइम की बात करूँ भाई 1-1.5 घंटे मुझे लगता है मैक्सिमम। गो स्टेशन तो यार, मतलब बाय ट्रेन की अगर मैं बात करता हूँ, कितना, अगर मैं स्टेशन बात करता हूँ, यूनियन स्टेशन एंड जो ब्रैम्पटन का हमारा स्टेशन है, मुझे लगता है मुश्किल से 1/2 घंटा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप आगे कहाँ जाना है, तो मैक्सिमम आप 1-1.25 घंटा लगा के चलो। हाँ, जो लोकल ट्रांजिट है उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट हाँ भाई बस भी इतना टाइम, और जो लोकल ट्रांजिट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मुझे लगता है 2 घंटे के आसपास लग सकते हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपने कहाँ जाना है। तो ये ऑप्शंस हैं जी आपके पास, एंड आप यूज़ कर सकते हो, अवेल कर सकते हो ये ऑप्शंस। एंड बाकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है भाई पूछ सकते हो। मैं ब्रैम्पटन में रहा हूँ, मैं स्कारबरो में रहा हूँ, मैं नॉर्थ यॉर्क में रहा हूँ, तो आई कैन बेटर टेल यू कि हाँ जी भाई कैसी कैसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बाकी नॉर्थ यॉर्क से भी गाइस बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ब्रैम्पटन से भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, किचनर वगैरह में अगर आप रहते हो तब भी आपके पास ऑप्शन है, बट वो थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, डेफिनेटली, ठीक है। चलो गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक एंड डिस्कशन। स्टे सेफ, स्टे काम, अपना ध्यान रखना, एंड एंजॉय दिस वेदर। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय।